पिछले ही ये आने का अनुरोध स्वीकार किया था और आपकी किसी ने कोई मुझे बताया भी था पहले का काफी संवेदनशील है इन मुद्दों के लिए और पिछले साल भी आए थे उसके बीच में जाते हैं बताना।
तो लड़ाई इसलिए नहीं है कि छोटे छोटे कामों के लिए आपको शहरों में निकालना पड़े और वो छोटे छोटे काम जो अलग अलग विभाग के अधिकारी अटका देते हैं, जब बड़ा समक्ष में अधिकारी वहाँ मौजूद होता है तो वो सब काम करने का उनके ऊपर दबाव भी होता है, उनका नियंत्रण भी होता है, वो जल्दी हो जाते हैं। तो आप उनमें सारे कामों को आप अपने लेके जाए और करा रहे पीला कागज का असर आपको बता सकता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका करना क्या। ये पीला कागज के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, साहब के दफ्तर का एड्रेस लिखा हुआ है कि साहब कहाँ बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई भी समस्या है अपने क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क कोई भी ऐसी समस्या जो मूलभूत अधिकार के तहत आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो भी जा सकते हैं। मेरे पड़ोसी मेरे से झगड़ा कर रहा है, खेती बाड़ी का झगड़ा है, मारना नहीं है दूसरे को कि मारी पाड़ी ले ली गप्पा गप्पी दूसरे को, है ना, ऐसा काम नहीं करना है। साफ बैठे रहे हैं, साफ के पास जाना है, आवेदन करना है कि साहब मेरी न्याय करो, क्या ना किसी की जीत होती है ना किसी के दोनों पार्टियों को मध्यस्थता होती है, मध्यस्थ मतलब राजीनामा जो भारतीय भी करना है, है ना, एक साल का भारतीय भी अपने राजीनामा करना तो पहले करना था, साफ किया बात करते हैं, ठीक है ना। जो पिलो बच्चा अभी नाम है पर टीचर पिला बच्चा है अपने योजना में लाभ नहीं मिले, मान लो छात्रवृत्ति नहीं मिली, लड़की का पैसा नहीं मिला, मल्टी प्लान भी पास किया, डिलीवरी का पैसा नहीं मिला, तो साथ में पड़े दफ्तर में जाना है, अर्जी लगानी है कि साथ आए ये पैसा नहीं मिला है, तो ये साथ में लेटर जारी करेगा तो संबंधित अधिकारी को आगे जाएगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्जी क्या मजदूर भाइयों और बहनों, आप सभी गोरखपुर शहर में मजदूरी के लिए आते हैं।